हमारे बायोस्फीयर में कई प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही प्रकार के चीज़ों से बना होता है? हम लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही टाइप के चीज़ों से बना होता है। तो हम सभी ऑर्गेनिज्म के लिविंग मैटर को जब देखेंगे, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि लिविंग मैटर किसको बोलेंगे, कोई भी जो सेल रहता है उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म रहता है, प्रोटोप्लाज्म को हम लिविंग मैटर बोलेंगे, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म में ज़्यादा से ज़्यादा लिविंग मैटर पाया जाता है। तो जब हम लिविंग मैटर को देखेंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब चीज़ें मिलता है, ठीक है। जब हम ये सब चीज़ों का स्टडी करते हैं, मतलब जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के केमिस्ट्री का स्टडी करते हैं, तो उसको बोला जाता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग लिविंग जितना भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसमें जो लिविंग मैटर रहता है उसके केमिस्ट्री का स्टडी करते हैं। तो जितने भी कार्बन कंपाउंड सबसे ज़्यादा देखा गया है, जो लिविंग मैटर प्रोटोप्लाज्म रहता है उसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जितने भी कार्बन कंपाउंड लिविंग टिश्यूज में पाया जाता है उसको बोला जाता है बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स जो कि लिविंग टिश्यूज में पाया जाता है उसको बोला जाता है बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं, जैसे कई चीज़ें पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, वाटर जैसे पाया जाता है। वाटर जो है उसमें कार्बन कंपाउंड नहीं रहता, ठीक है, इसलिए ये बायो मॉलिक्यूल्स नहीं होगा, एलिमेंट्स होगा ये, ठीक है। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स जो कि लिविंग टिश्यूज के में पाया जाता है उसको हम बोलेंगे बायो मॉलिक्यूल्स। तो बायो मॉलिक्यूल्स जो होता है उसमें, उस बायो मॉलिक्यूल्स के एक्टिविटीज में कई प्रकार के फंक्शन होते हैं, उसी से पूरे लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ठीक से होता है, ठीक है। पूरे शरीर के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, शरीर का मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें जो होता है उसी बायो मॉलिक्यूल्स के एक्टिविटीज से ही हो पाता है, इसलिए इसको बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ठीक है। रिचर्ड हैंडरसन बायो मॉलिक्यूल को डिस्कवर किए थे, बायो मॉलिक्यूल को डिस्कवर किए थे रिसर्च रिचर्ड एंडरसन, ठीक है। बायो मॉलिक्यूल देखो ये बहुत सारे सेल हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स को बोला जाता है टिश्यूज। तो टिश्यूज इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म रहता है उसको हम बोलेंगे लिविंग मैटर, ठीक है। लिविंग मैटर रहता है इसलिए इस सेल को बोला जा रहा है लिविंग सेल, ठीक है। कई चीज़ें, कई टाइप के एलिमेंट्स जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, सेल के अंदर पाया जाता है और कुछ सेल के बीच में, ठीक है, सेल के बीच बीच में भी पाया जाता है। तो इसको हम बोलेंगे इंट्रा सेल्यूलर, और सेल के बीच में जो रहेगा उसको बोलेंगे इंटर सेल्यूलर। बहुत सारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो देखो जो डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एक सेल के अंदर पाया जाता है उसको एक साथ बोला जाता है सेल्यूलर पूल। एक सेल के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिक एंड और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाया जाता है, एक साथ इनको क्या बोला जाता है, सेल्यूलर पूल। 26 डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स, ज़्यादातर ऐसा देखा गया है, हम लोग बाद में इसको देखेंगे कि सेल को कैसे देखा जाता है, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। तो 26 डिफरेंट केमिकल नॉर्मली प्रेजेंट रहता है ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के सेल्स में ऐसा देखा गया है कि 26 डिफरेंट टाइप का केमिकल एलिमेंट्स पाया जाता है नॉर्मली। उसमें एलिमेंट्स जो होता है उसको बोला जाता है मैक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में 4 एलिमेंट्स पाया जाता है, मेजर एलिमेंट भी बोलेंगे और मैक्रो एलिमेंट्स भी बोलते हैं। देखो प्रोटोप्लाज्म में 90, प्रोटोप्लाज्म में जितने भी लिविंग मैटर पाया जाता है उसमें 96% लिविंग मैटर में क्या रहता है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है। ये चार एलिमेंट्स जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है मेजर एलिमेंट्स और मैक्रो एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये चार एलिमेंट सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन जो होता है किसमें पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, ठीक है, डीएनए आरएनए जो होता है उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। 8 अदर्स एलिमेंट्स जो पाया जाता है वो 3.6%, देखो ऑक्सीजन 65% पाया जाता है, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%,
एक सेल्स के अंदर जितना प्रोटोप्लाज्म रहता है उसमें, ठीक है, और चार एलिमेंट सबसे ज़्यादा। उसके बाद आठ एलिमेंट्स जो है वो थोड़ा सा कम पाया जाता है, मतलब 3.6% तक पाया जाता है। उसको क्या बोला जाता है, माइक्रो एलिमेंट्स, कम मात्रा में पाया जाता है तो बोलेंगे हम माइक्रो एलिमेंट्स, और लेजर एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है, कैल्शियम 1.5%, कैल्शियम से क्या होता है हम लोग जानते हैं, बोन्स टीथ ये सब बनता है, ठीक है, बहुत सारे सेलुलर प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। फॉस्फोरस 1.0%, न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोरस रहता है, एटीपी कुछ लिपिड्स में रहता है। पोटेशियम 0.3%, ठीक है, सल्फर 0.25%, सोडियम 0.2%, क्लोरीन 0.2%, मैग्नीशियम 0.1%, आयरन 0.005%। ये आठ एलिमेंट्स जो होता है इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो एलिमेंट। 3.6% तक प्रोटोप्लाज्म में इसका प्रेजेंट रहता है, ठीक है। चार एलिमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रो एलिमेंट और मेजर एलिमेंट। और आठ एलिमेंट जो होता है 3.6% तक प्रेजेंट रहता है, इसको हम लेजर एलिमेंट या माइक्रो एलिमेंट्स बोलते हैं। इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, आयरन पाया जाता है, ठीक है। और 14 एलिमेंट्स ऐसा पाया जाता है जो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, इसको बोला जाता है ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट, ट्रेस एलिमेंट कितना होता है, 0.4%। जितने भी 14 एलिमेंट्स हैं एक साथ 0.4% तक ही बस प्रेजेंट रहता है प्रोटोप्लाज्म के अंदर, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेस एलिमेंट, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम, बोरोन, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन, आयोडीन, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, सिलेनियम, सिलिकॉन, टिन, वेनेडियम एंड जिंक, ये इसको हम बोलेंगे ट्रेस एलिमेंट। 14 एलिमेंट्स ऐसा होता है, ठीक है। चार एलिमेंट्स जो होता है उसको मैक्रो एलिमेंट्स बोलेंगे, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एट एलिमेंट्स को माइक्रो एलिमेंट्स बोलेंगे, 3.6% पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। और 14 एलिमेंट्स बहुत ही कम मात्रा, 0.4% तक प्रेजेंट रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेस एलिमेंट। इस सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। हम लोग कई बार ऐसा देखे हैं कि जिंक की कमी से ये डिजीज हो गया, है ना, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है लेकिन उतने मात्रा में प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहना जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे केमिकल हमारे बॉडी में जो रहता है कॉम्पाउंड के रूप में रहता है, जैसे इनऑर्गेनिक कॉम्पाउंड के रूप में, ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स जो है 36 से 43% पाया जाता है एक सेल के अंदर, ठीक है। ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स कितना, 38 से 43% तक पाया जाता है जो बॉडी, ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। तो जिसमें क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, एटीपी, ठीक है, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड, ये सब चीज़ें जो होता है ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड के रूप में प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। चलो सबसे पहले अब हम प्रोटोप्लाज्म को देखेंगे। प्रोटोप्लाज्म जो होता है सेल का लिविंग पार्ट होता है, ठीक है। एक एक जो सेल होता है उसके अंदर, हम जानते हैं जो सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर के जो लिक्विड होता है उसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। बाकी ये पूरा साइटोप्लाज्म रहता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म ये दोनों को मिलकर बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म में ज़्यादा से ज़्यादा लिविंग मटेरियल पाया जाता है, ठीक है। जो प्रोटोप्लाज्म में लिविंग मटेरियल जब नहीं होगा, धीरे धीरे जो नॉन लिविंग मटेरियल भर जाने से क्या होता है, उसी से डिजीज़ होता है और उसी में एजिंग, जैसे एजिंग बढ़ने के साथ साथ ये सब चीज़ें होता है। प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसमें लिविंग मटेरियल के बदले में थोड़ा थोड़ा नॉन लिविंग मटेरियल भरता जाता है, तो सेल का काम करना उतना एक्टिविटी उसका सही से नहीं रहता, वो उसका काम स्लो हो जाता है और धीरे धीरे सेल काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग पढ़े थे एजिंग ऐसे होता है जिसको बोला जाता है सेनेसेंस, ठीक है, सेनेसेंस में हम लोग देखे थे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म में जब लिविंग मटेरियल रहता है इसका मतलब है सेल पूरी तरह से एक्टिव है और बहुत अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। पूरी तरह से जितने लिविंग मटेरियल भरा रहेगा सेल उतना ही हेल्दी रहेगा। तो इसके अंदर जो मटेरियल रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज़ द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, जो कि सेल वॉल
और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। सेल वॉल हम लोग जानते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, बाकी सभी सेल जो होता है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही पूरा रहता है, उसके अंदर लिविंग पार्ट रहता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है लिविंग पार्ट, जेली लाइक होता है, कलरलेस मटेरियल भरा हुआ रहता है। ये मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोनोसेकेराइड, एमिनो एसिड, मैक्रोमोलिक्यूल, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, बहुत सारी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसके अंदर भरा रहता है। सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म टर्म जो है उसको दिए थे पार्किंजे, पार्किंजे साइंटिस्ट जो है प्रोटोप्लाज्म टर्म को सबसे पहले दिए थे। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म को बोला जाता है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। कौन बोले थे? हक्सले, हक्सले बोले थे प्रोटोप्लाज्म जो होता है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ होता है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म के अंदर लिविंग मटेरियल भरा रहता है, उसी से हमारे शरीर में हर एक्टिविटीज होता है। ठीक है, तो इसलिए प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीज़ कितने मात्रा में रहते हैं जानना हम लोगों को ज़रूरी है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, 3% रहता है प्रोटोप्लाज्म में। प्रोटीन जो है 10 से 15% रहता है। न्यूक्लिक एसिड 5 से 7% रहता है। लिप परसेंट रहता है। आयन 1%, वाटर 70 से 90% तक प्रोटोप्लाज्म के अंदर रहता है। ठीक है, हम लोग पढ़े अभी ऑल द कार्बन कॉम्पाउंड्स, इसमें अंदर जो ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स होते हैं, सभी कार्बोनिक ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स जो होता है उसको क्या बोलेंगे हम? बायोमोलिक्यूल। वाटर को बायोमोलिक्यूल नहीं बोला जाता, वाटर को बायोमोलिक्यूल नहीं बोला जाता, क्योंकि कार्बन है वाटर में। ठीक है, वाटर को क्या बोला जाता है? वाटर इज द मोस्ट एबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे ज़्यादा केमिकल के रूप में प्रेजेंट रहता है क्या? वाटर। ठीक है, देखो कुछ इनऑर्गेनिक आयन प्रेजेंट रहते हैं सेल के अंदर, जिसको बोला जाता है इंट्रा सेल्यूलर आयन। ठीक है, सेल के अंदर जो पाया जाता है इनऑर्गेनिक मटेरियल उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रा सेल्यूलर आयन। दो सेल के बीच में जो पाया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेल्यूलर आयन। ठीक है, कुछ इनऑर्गेनिक आयन जो है प्रेजेंट इनसाइड सेल उसको हम कॉल बोलेंगे इंट्रा सेल्यूलर आयन। उसमें इंट्रा सेल्यूलर जो आयन पाया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा रहता है पोटेशियम, उसके बाद फॉस्फोरस और उसके बाद मैग्नीशियम सेल के अंदर। ठीक है, पोटेशियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, फॉस्फोरस सेकेंड और उसके बाद मैग्नीशियम रहता है। और जो इनऑर्गेनिक आयन आउटसाइड सेल रहता है उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर आयन, मतलब सेल के बीच बीच में जो पाया जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर आयन, उसमें सबसे ज़्यादा क्या रहता है? सोडियम, उसके बाद क्लोराइड, उसके बाद कैल्शियम। सोडियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर आयन के रूप में, उसके बाद क्लोराइड, उसके बाद कैल्शियम। ठीक है, ज़्यादातर इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर दोनों मिला के आयन, कौन सा आयन सबसे ज़्यादा रहता है? पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम। ठीक है, क्या बोले हम? सेल के अंदर के जो पार्ट होता है उसमें जो आयन पाया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रा सेल्यूलर आयन। और सेल के बीच में जो खाली जगह रहता है उसमें जो आयन पाया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेल्यूलर आयन। सेल के बाहर इसलिए एक्स्ट्रा, सेल के अंदर इसलिए इंट्रा। ठीक है, अब इंट्रा सेल्यूलर आयन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? पोटेशियम सबसे ज़्यादा, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम। एक्स्ट्रा सेल्यूलर आयन सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म में? सोडियम, क्लोराइड और कैल्शियम दोनों मिला के, एक्स्ट्रा एंड इंट्रा दोनों मिला के सबसे ज़्यादा पोटेशियम रहता है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम। ठीक है, पूरे सेल के अंदर जितने भी लिविंग मटेरियल रहते हैं, अंदर के भाग में जितना भी भाग रहता है उसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, आयन और वाटर इतने मात्रा में रहते हैं। ठीक है, वाटर को बायोमोलिक्यूल्स नहीं बोला जाता क्योंकि उसमें कार्बन एब्सेंट रहता है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट रहता है उसी को हम बोलेंगे बायो मॉलिक्यूल। ठीक है, चलो अब देखते हैं एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस ऑफ बायो मॉलिक्यूल। बायो मॉलिक्यूल जो हम लोग देखे हैं, जो जितने भी प्रोटोप्लाज्म में ऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे बायो मॉलिक्यूल, और इनऑर्गेनिक जो पाया जाता है उसको आयंस बोलेंगे। तो ऑर्गेनिक वाले चीज़ों को कैसे हम अलग करेंगे और कैसे देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें पाया जाता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे केमिकल एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल। ठीक, केमिकल एनालिसिस कैसे करेंगे हम? पहले सबसे पहले हम टिश्यूज़ को लेंगे। ठीक है, जैसे एनिमल टिश्यूज़,
कुछ ग्रुप ऑफ सेल ले लेंगे एनिमल से, या प्लांट टिश्यूज तो बहुत ही सिंपल है, जैसे लीफ ले लेंगे, फ्लावर ले लेंगे, थोड़ा सा पार्ट लेंगे तो ग्रुप ऑफ सेल उसमें आ जाता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, टिश्यू। प्लांट और एनिमल टिश्यूज या माइक्रोबियल पेस्ट को हम सबसे पहले लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रूट्स फ्लावर्स कुछ भी हो सकता है, लीवर हो सकता है, उसको ग्राइंड करेंगे मोर्टर एंड पिस्टल से, ठीक है। मोर्टर एंड पिस्टल से उसको हम ये करेंगे, ठीक है। और उसमें क्या मिला देंगे, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। सबसे पहले हम टिश्यूज को लेंगे, टिश्यूज को लेके हम उसको पीसेंगे, ठीक है, पीस के पेस्ट बना लेंगे, और उसमें क्या मिला देंगे, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड यूजिंग मोर्टर एंड पिस्टल। उसके बाद क्या होता है, उसमें एक स्लरी मिलेगा, उसको फिल्टर करेंगे, जो चीज़ें मिलेगा, जो पेस्ट मिलेगा, उस पेस्ट को छानेंगे हम टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, फिल्टर करेंगे। यहाँ एक कॉटन क्लॉथ रख देंगे, उसमें फिल्टर करेंगे, ठीक है। तो हम दो टाइप की चीज़ें पाएंगे, कुछ चीज़ें ऐसा होता है जो इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर पाया जाता है, वो घुल जाता है ट्राई क्लोरो एसिडिक एसिड में, ट्राई क्लोरो एसिडिक एसिड में जो डिजोल्व हो जाएगा वो नीचे आ जाता है, और जो डिजोल्व नहीं होगा और बड़े बड़े साइज का थोड़ा होता है वो ऊपर रहेगा, ठीक है। एक तो छोटे साइज का होना है, डिजोल्व होना है तो इसमें नीचे आ जाता है, और जो बड़े साइज का है और डिजोल्व नहीं होता है वो ऊपर रहता है, ठीक है। चलो, दो टाइप के फ्रैक्शन मिलता है, एक फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेट मतलब नीचे आ गया, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एसिड सॉल्यूबल पुल, और माइक्रो मॉलिक्यूल्स, छोटे साइज का है इसलिए माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और एसिड में डिजोल्व हो जाता है इसलिए नीचे आ जाए आ गया, ठीक है। इस माइक्रो मॉलिक्यूल्स का देखा गया है मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 18 से 800 डाल्टन तक होता है, 18 से 800 डाल्टन तक इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। ऐसा देखा गया है कि जो फिल्ट्रेट होता है, माइक्रो मॉलिक्यूल होता है, उसमें सिंपल शुगर, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, एमिनो एसिड्स, नाइट्रोजन बेसिस, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन्स, ये सब आता है जो फिल्ट्रेट हो जाता है, एसिड सॉल्यूबल, ठीक है। और दूसरा ऊपर जो रहता है, जो घुलता नहीं है, एसिड में सॉल्यूबल नहीं होता और थोड़ा बड़े साइज का होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल, एसिड इन सॉल्यूबल, ठीक है। सेकेंड, इसको रिटेंटेट जो ऊपर रहता है, एसिड इन सॉल्यूबल फ्रैक्शन बोला जाता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोला जाता है, और बड़े साइज का होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट देखा गया है 10,000 या उससे ज़्यादा डाल्टन का होता है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 उससे ज़्यादा डाल्टन का होता है। इसमें आता है पॉलीसेकेराइड्स, स्टार्च, ग्लाइकोजेन, प्रोटीन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, लिप, ठीक है, फैट्स, ये सब चीज़ें इसमें आता है। चलो एक बार और अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स जो होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट देखा गया है कि 800 डाल्टन होता है, लेकिन फिर भी ये मैक्रो मॉलिक्यूल, इसको ये जो होता है इनसॉल्यूबल होता है, ठीक है, लिपिड्स जो होता है इनसॉल्यूबल होता है, माइक्रो मॉलिक्यूल जैसा ही इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, लेकिन नीचे नहीं आता, इसी जगह जम जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एसिड में इनसॉल्यूबल होता है। ये ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड जो है इसमें इनसॉल्यूबल होता है, इसलिए इसको मैक्रो मॉलिक्यूल में रखा गया है, माइक्रो मॉलिक्यूल होते हुए भी इसको मैक्रो मॉलिक्यूल में रखा गया है, ठीक है। चलो, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम बहुत सारे कुछ सेल का, सेल को पेस्ट बना लेंगे मोर्टर एंड पिस्टल से, उसमें ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड मिला देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, कुछ चीज़ें जो है एसिटिक एसिड में घुल जाएगा और कुछ चीज़ें नहीं घुलेगा, फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने से जो चीज़ें घुल जाएगा एसिड में वो नीचे आ जाएगा, और छोटे साइज का होता है, जो बड़ा रहेगा और नहीं घुलेगा ऊपर रहेगा फिल्टर करने से, ठीक है। कॉटन क्लॉथ से फिल्टर करेंगे तो ऐसा होगा, तो ऊपर वाला जो है जो नहीं घुलता है उसको मैक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे, और नीचे वाला जो घुल जाता है उसको माइक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। और इसको एसिड में घुल जाता है इसलिए इसको हम बोलेंगे एसिड सॉल्यूबल, एसिड में घुलता नहीं है इसलिए क्या बोलेंगे हम, एसिड इनसॉल्यूबल, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 18 से 800 डाल्टन तक होता है, और इसको देखा गया है मॉलिक्यूलर वेट इससे ज़्यादा हो, 1000
10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है, ठीक है। और लिपिड्स जो होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 800 डाल्टन होता है, लेकिन एसिड में इनसॉल्युबल होता है इसलिए ऊपर जम जाता है, इसलिए इसको मैक्रोमोलिक्यूल में रखा गया है, ठीक है। तो इस टाइप से बायोमोलिक्यूल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। अब हम देखेंगे, ये हो गया बायोमोलिक्यूल मतलब ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड, ठीक है। और इनऑर्गेनिक कॉम्पाउंड, इनऑर्गेनिक कॉम्पाउंड को हम कैसे अलग करेंगे प्रोटोप्लाज्म से, ग्रुप ऑफ सेल प्रोटोप्लाज्म। और हमको ऐसे जानना है कि कौन कौन सा ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड मिलता है, इसको जानने के लिए भी एक्सट्रैक्शन करते हैं। और इनऑर्गेनिक कॉम्पाउंड कौन कौन से कितने मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं देखने के लिए भी हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो ये है इनऑर्गेनिक कॉम्पाउंड का एक्सट्रैक्शन, ठीक है। इसको कैसे हम देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो लिविंग टिश्यूज़ है, बहुत सारे सेल और टिश्यूज़ को लिया जाता है, सेम उसी टाइप के टिश्यूज़ को ही लेंगे। जैसे एक लीप को ले लिए, बहुत सारे उसमें सेल रहता है ना, प्लांट एनिमल पार्ट जैसे लीवर या स्किन का थोड़ा सा पार्ट ले सकते हैं। ग्रुप ऑफ सेल मतलब टिश्यूज़, उसमें उसको पहले वेट कर लेंगे हम, ठीक है। जो वेट करेंगे उसको बोला जाता है वेट वेट और फ्रेश वेट। उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है ओवन में। सबसे पहले वेट करेंगे उसको हम बोलेंगे वेट वेट, इसके बाद इसको सूखा लिया जाता है ग्रुप ऑफ सेल को, ओवन में ड्राई कर लिया जाता है। तो क्या होता है, इसमें जितना भी वाटर रहता है एवापोरेट होके बाहर निकल जाता है, सूख जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राई वेट, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसको जला देंगे, इसको पूरे ओवन में बहुत ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड में इसको जला देंगे। जलाने से क्या हो जाएगा, पूरे कार्बन कॉम्पाउंड्स जितने भी ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं ऑक्सीडाइज होके गैस गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। जितने ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड को तो हमको देखना नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड का एक्सट्रैक्शन हम लोग इसके पहले देख लिए। इसलिए जब हम ओवन में इसको बहुत ज़्यादा 600 डिग्री सेंटीग्रेड में हम इसको ओवन में ड्राई करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड है, वो सब बाहर ऑक्सीडाइज होके निकल जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो भी बचेगा उसमें इनऑर्गेनिक कॉम्पाउंड ही रहेगा, इसको हम बोलेंगे एस, एस बोलेंगे, ठीक है। इस एस में कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम पोटेशियम पूरे इनऑर्गेनिक आयन्स पाया जाता है, इनऑर्गेनिक कॉम्पाउंड के रूप में भी पाया जाता है, जैसे सल्फेट फॉस्फेट सोडियम क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे कॉम्पाउंड के रूप में भी पाया जाता है, ठीक है। इस टाइप से इनऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स और इनऑर्गेनिक आयन्स को हम अलग कर सकते हैं और पता भी लगा सकते हैं कि कौन कौन सा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन के बेस पर किया जाता है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स के डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायोमोलिक्यूल का क्या काम है, उसके हिसाब से बायोमोलिक्यूल को दो भागों में बांटा जाता है। एक को बोला जाता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, दूसरे को बोला जाता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। मेटाबोलाइट्स मतलब मेटाबोलिक एक्टिविटीज़। मेटाबोलाइट्स किसको बोलेंगे, देखो बायोमोलिक्यूल को भी मेटाबोलाइट्स बोला जाता है। मेटाबोलाइट्स है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, क्या क्या मेटाबोलिक एक्टिविटीज से बनता है, एंजाइम के द्वारा कैटलाइज होने के बाद नेचुरली सेल में क्या क्या बनता है, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटाबोलाइट्स। दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और दूसरा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स किसको बोलेंगे, द इमीडिएट एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये देखो द इमीडिएट एंड प्रोडक्ट, जो मेटाबोलिक एक्टिविटीज होता है उसमें जो एंड प्रोडक्ट मिलता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, जैसे रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो होता है इसको पूरी तरह से मेंटेन करते हैं, जैसे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एमिनो एसिड लिपिड्स न्यूक्लिक एसिड विटामिन्स ऑर्गेनिक एसिड्स, ये सब चीज़ें जो है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आता है, ठीक है। अल्कोहल भी मेजर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोला जाता है अल्कोहल को, जो कि इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्री से भी बनता है, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किसको बोलेंगे, जो मेटाबोलाइट्स जो है बॉडी फंक्शन में पूरी तरह से हेल्प करते हैं लेकिन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस डेवलपमेंट जो सेलुलर एक्टिविटीज़ होता है उसमें भाग नहीं लेते, सेलुलर एक्टिविटीज़ में
भाग नहीं लेते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसमें भी, डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है उसमें भी भाग नहीं लेते, लेकिन सेल्यूलर बहुत सारे बॉडी फंक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, बहुत सारे बॉडी फंक्शन में हेल्प करते हैं। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को बोला जाता है मेन प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को बोला जाता है बाई प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होता है उसमें आता है एल्केलॉयड्स, फ्लेवोनॉयड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, कलर पिगमेंट्स, सेंट, गम, स्पाइसेस, टॉक्सिन, ये सब चीज़ें जो होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसको हम लोग जानते हैं रबर कितना ज़्यादा यूज़फुल होता है, एसेंशियल ऑयल कितना यूज़फुल, एंटीबायोटिक, ये सब चीज़ें क्या प्लांट में बन, प्लांट एनिमल में बनता है, लेकिन वो सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में भाग नहीं लेता, ठीक है। बॉडी फंक्शन में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। चलो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी होता है बहुत ज़्यादा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पिगमेंट्स, पिगमेंट्स में कैरेटिनॉयड, एंथोसाइनिन, वो ये सब चीज़ें जो होता है सेक्रेट होता है, जो कि प्लास्टिड में पाया जाता है, प्लांट प्लास्टिड में हम लोग जानते हैं कैरेटिनॉयड, एंथोसाइनिन, ये सब फ्लावर का कलर, लीफ का कलर जो है वो प्रोवाइड करता है। एल्केलॉयड्स, इसमें आता है मॉर्फिन, कोडेसिन, ठीक है, टी, कॉफ़ी, ये सब चीज़ों में जो कैफीन होता है वो भी इसमें आता है, एल्केलॉयड्स में आता है, ठीक है। मॉर्फिन जो है पेन किलर के रूप में यूज़ किया जाता है, कहाँ से मिलता है, ज़्यादातर पॉपी प्लांट्स, हम लोग जानते हैं पॉपी प्लांट्स जो होता है उसका जो छिलका होता है उससे अफीम बनाया जाता है, जो कि पेन किलर के रूप में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। टारपिनॉयड्स, इसमें आता है मोनोटारपिन्स, डाइटारपिन्स, जो कि सेल के अंदर इस प्लांट एनिमल में बनता है, ठीक है, लेकिन सेलुलर एक्टिविटी में भाग नहीं लेता। एसेंशियल ऑयल्स जैसे लेमन ग्रास ऑयल, ऑब्टेन फ्रॉम सिम्पोपोगन प्लांट्स, ठीक है। टॉक्सिन, बहुत सारे टॉक्सिन मटेरियल भी बनता है, जैसे एब्रिन, रिसिन, ठीक है। रिसिन जो होता है उसको पाया जाता है कैस्टर प्लांट के सीड से, कैस्टर प्लांट के सीड से। एब्रिन जो होता है वो सीड ऑफ एब्रास प्लांट। लैक्टिन्स, इसका एग्जांपल है कोने को, कोने कोने बेलिन ए, इसको कहाँ से पाया जाता है, जैक बीन्स, जैक बीन्स से ये देखा गया है इसमें लैक्टिन्स बनता है। ड्रग्स, बहुत कई टाइप के ड्रग्स होते हैं, जैसे भिन ब्रेस्टीन, कर्क्यूमिन, कर्क्यूमिन हम लोग जानते हैं टर्मरिक, हल्दी, ठीक है। बार जो भीन ब्रेस्टिन होता है वो कैंसर ड्रग होता है, ठीक है, एंटी कैंसरस ड्रग के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। मतलब बहुत सारे इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है इसका, लेकिन सेलुलर एक्टिविटीज़ में भाग नहीं लेता, ठीक है। पॉलीमर, बहुत सारे पॉलीमर जैसे रबर, गम, सेलुलोज, ये सब जो पॉलीमर होता है, रबर जैसे लिपिड्स का पॉलीमर होता है, सेलुलोज हम लोग जानते हैं प्लांट सेल के सेल वॉल बनता है, ये सब चीज़ें भी प्लांट्स के, कई प्लांट्स से बनता है, ठीक है। ये था सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एग्जांपल, ठीक है। इस टाइप से बायोमोलिक्यूल्स जो है वो कॉम्प्लीट हो जाता है।